हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम बनाने जा रहे हैं परफेक्ट पाइनएप्पल ड्राई फ्राई। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने लिए हैं ढाई कप मिल्क, ले लिया है दूध, ले लिया है मैंने ढाई कप, एक गिलास एक कप डाला, फिर दूसरा कप डाला और फिर हाफ कप डाला। ढाई कप मैंने दूध ले लिया है। अब इसको हम बॉईल करेंगे 10 मिनट के लिए। हमारा ये दूध जो है वो तो बॉयल हो गया है। ये मैंने लिया है हाफ कप, मैंने दूध ले लिया है और वनीला कस्टर्ड मैंने 4 खाने के चम्मच मैंने वनीला कस्टर्ड का पाउडर डाल दिया और इनको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और मिक्स करके ही अब हम इसके अंदर दूध में डाल देंगे। अच्छे से इनको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है और अब हमने ये ले रहे हैं कंडेंस मिल्क। ये मैंने लिया है 4 खाने के चम्मच कंडेंस मिल्क का। जी, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें जो कस्टर्ड पाउडर का और ये जो दूध जो हमने बॉईल किया है और कंडेंस मिल्क डाला ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने इसको चूल्हे से उतार लिया है और अब हम मैं डाल रही हूँ पाइनएप्पल पुडिंग हाफ कप। पुडिंग ये हमने ऐसे बनाई है कि ब्रेडर वाले जो जगह है उस पर मैंने पाइनएप्पल के पीसेस डाल के उसको हमने ब्लेंड कर लिया था और अब ये जो इसकी पुडिंग है वो रेडी हो गई थी और अब मैं इसमें पाइनएप्पल की पुडिंग डाल रही हूँ। और अच्छे से इनको हम मिक्स कर लेंगे और इसको मैं ठंडा करने के लिए 20 मिनट के लिए रख दूँगी। जी, ये मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच मैंने बटर लिया है, मक्खन ले लिया है, ये मैंने 4 खाने के चम्मच ब्राउन शुगर लिया है 4 खाने के चम्मच, और ये मैंने लिया है क्रीम लिया है मैंने हाफ कप। ये डब्बा मैंने जो लिया है इसमें मैंने हाफ कप मैं इस पर डालूँगी क्रीम का। और तीनों चीज़ों को हम एक साथ ही डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उसको हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि नीचे ना लगे। जी, ये तो हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है, 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं दोबारा से फिर 2 खाने के चम्मच क्रीम दोबारा से ऐड कर रही हूँ मैं और फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसको भी हम ठंडा करने के लिए 10 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे। जैसे ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारी जो है वो ठंडी हो जाएंगी तो ये मैंने लिए है केक लिए है, आप कोई सा भी केक ले सकते हैं। मैं इसके पीसेस कर लूँगी। ये मैंने कस्टर्ड डाल दिया, मिल्क कस्टर्ड का जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो मैंने डाल दिया है, ऐड कर दिया, हमारा ठंडा हो गया था। जी, और ये पाइनएप्पल के स्लाइसेस जो है वो मैं रख रही हूँ। जी, और ये जो हमने रेडी किया था ब्राउन शुगर मक्खन और क्रीम का जो मिक्सचर जो हमने रेडी किया था वो मैं ऐड कर रही हूँ। अब रेडी कर लिया है, अब इसको मैं ठंडा करने के लिए 2 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। जैसे ही ठंडा होगा आप सर्व कीजिएगा। इसके लिए मैंने जेली को रेडी किया है और ये देखिए परफेक्ट पाइनएप्पल ट्राइफा जो है वो रेडी हो गया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।